भानुप्रतापपुर के कोड़ेकुट से धान खरीदी केंद्र में कम धान मिलने की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में खाद्य विभाग की एक टीम कोड़ेकुट से जांच के लिए निकल पहुंची। मौके पर बयान लेकर पंचनामा बनाया गया जहां 722 क्विंटल धान कम मिला है। साथ ही ऑनलाइन खरीदी और रजिस्टर में भी काफी अंतर है जिसमें लगभग 20 लाख रुपए की धान खरीदी में गड़बड़ी बताई जा रही है। कोड़ेकुट से लैंपल्स के धान खरीदी केंद्र में कुल 37,752 क्विंटल धान खरीदी गई है। इसमें से 10,898 क्विंटल धान राइस मिलों को भेजा गया है और 25,828 क्विंटल धान को संग्रहण केंद्र में भेजा गया है। इसमें 1,000 क्विंटल धान कम हो गया है। उपार्जन केंद्र प्रभारी ने बताया कि 4 मई को 600 बोरा जो 240 क्विंटल होता है वह गुरु कृपा राइस मिल में भेजा गया है और कुछ बोरा धान फंड में रखा गया है। इस प्रकार जांच दल ने कुल 722 क्विंटल धान कम पाया है। इतनी मात्रा में धान कहां गायब हुआ इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।